Hi friend, all doing welcome back to my channel. Today I am here, SOU. तो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लेजर शो कैसा होता है। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। नड़ियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की।
फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई, छोटी सी झलेबार से। दो बच्चों बेटी मणि बहन और बेटे दाया भाई को जन्म देने के बाद झलेबाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीटर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आनंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले को अनोखे भारतीय। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जय और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं गांव की धूल थी, हृदय में भारत भूमि की शस्यशाला धरती, मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा और सफल किसान आंदोलन बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल अडिग अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार ही गए और एक बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कसमें खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए तो 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानीय सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था, उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात मजहब तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मारेंगे, विद्रोह ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था,
संघर्ष की रणभेरी बची है। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना, जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छेनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा तो सरकार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को भी चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की एक इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझा कर मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशयता संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गूंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरकार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणातीर्थ भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है।
चुनकर इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4,500 क्यूबिक मीटर का क्राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का फॉर्म बनाया गया।
इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए।